बिग बॉस खत्म हो गया और अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। पता लग गया अंकित के साथ मेरा रीयूनियन बहुत अच्छा रहा, मतलब फिनाले के बाद में हम अभी मिले थे एंड इट वाज रियली गुड। अभी जल्दी आपको सॉन्ग भी देखने को मिलेगा। वो एक्चुअली जुनूनियत का सेट नहीं है, वो मैं अपने ही उडारियां के ही सेट पर एक बार जाना चाहती थी मत्था टेकने, क्योंकि जो मिला है मुझे वहीं से मिला है, तो डेफिनेटली मैं वहां पर एक बार फिर से विजिट करना चाह रही थी, जो कि सब कुछ बदल गया अभी वहां पर, बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा वहां जाकर। मेरे सभी फैंस को मैं पहले तो बहुत सारा प्यार देना चाहूंगी, जितना प्यार आप सबने मुझे दिया शायद मैं उतना प्यार ना दे पाऊं, लेकिन आप लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया हर चीज के लिए। और उसके अलावा मैं प्यार जरूर देना चाहूंगी, जल्दी प्रियंकित सॉन्ग आ रहा है। अभी वेट एंड वॉच, अभी क्या बोलूं मैं, कुछ कह नहीं सकते, अभी चीजें हो रही है, काफी सारी चीजें हैं लाइंड अप है, सो आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, लेट्स सी। पहले यही खबर मेरे लिए थी, उसके बाद में मेरे और अंकित के लिए, ये सारी खबरें बस आप तक ही आ रही है, हम तक नहीं आ रही है। गाइस गाइस अभी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन टू ऑल माय फैंस, टू प्रियंका पल्टन, टू प्रियंकित फैंस, टू ऑल ऑफ यू, मतलब मैं हमेशा जो कहती हूँ कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वो एक्चुअली आई मीन इट, क्योंकि आज जब मैं अपना इंस्टाग्राम देखती हूँ तो वैसे भरमार रहती है लिटरली, कि मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी रीच, मतलब लाखों में लाइक्स, हर चीज़ ये सब फैंस ही कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, आज यहाँ तक पहुँचा है जस्ट बिकॉज ऑफ देम, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, मैं कभी आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि अपने काम से हमेशा आप लोग मेरे काम से खुश रहें, कभी डिसअपॉइंट ना करूँ, सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। बस ऐसे ट्विटर पे ट्रेंड्स लगाते रहिए, हर दिन एक ट्रेंड तो होना ही चाहिए।